हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं आपका मित्र जितेंद्र सिंह चौहान, जेएस राजपूत सोलर पंप एंड सोलर टेक के नाम से मेरा यूट्यूब पर चैनल है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कई बार बताया है कि घर पे कैसे यूज करना है, जो सोलर पंप वाला जो पैनल होता है उसे घर पे कैसे यूज करना है, किस तरह से यूज करना है और किस तरीके से कनेक्शन करना है। अगर आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी है तब कनेक्शन कैसे करना है, और आपके पास 24 वोल्ट की बैटरी है तब कनेक्शन कैसे करना है, चलिए आपको आज बता देते हैं। और सारा लोड देखिए, आपको इसे लाइव चला करके दिखाएंगे घर का सारा लोड। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे ये 325-25 वाट के हमने चार पैनल लगाए हुए हैं। ये सिस्टम जो हमारे भाई साहब हैं, जहाँ पे हम ये वीडियो बना रहे हैं, इनके यहाँ पे 3 HP का पंप लगा हुआ है। AC मोनोब्लॉक 3 HP का सोलर पंप लगा हुआ है। लूबी कंपनी की मोटर है और INBT कंपनी की ड्राइव है। अब देखिए होता क्या है कि लोग कहते हैं कि भाई घर का लोड हम डायरेक्ट INBT की ड्राइव से कैसे चलाएं BFD से। तो देखिए BFD से मैं यही कहना चाहूंगा कि BFD से डायरेक्ट लोड ना चलाएं घर का, क्योंकि उसमें क्या होता है कि मोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो BFD के अकॉर्डिंग घटती बढ़ती रहती है। जैसे BFD की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इसी तरीके से मोटर अपने RPM मैनेज कर लेती है। लेकिन घर के लोड को एक कॉन्स्टेंट करंट चाहिए होता है। अगर आप इससे चलाओगे BFD से डायरेक्ट तो चलेगा, तो लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान देगा, आपके महंगे आइटम को खराब कर देगा। 2-4 महीने चलने के बाद डायरेक्ट अगर आप BFD से चलाओगे घर का लोड, घर के लोड जो भी आपके घर के 220 वोल्ट के आइटम है, जैसे आपका फ्रिज हो गया, TV हो गया, कूलर हो गया, फैन हो गए, पानी की मोटर हो गई, वो आप उससे अगर डायरेक्ट चलाते हो तो कहीं ना मोटर तो एक बार को आपकी चल जाएगी, जो जेट पंप या टुल्लू पंप होता है। लेकिन अगर आप अदर लोड चलाओगे तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान देगा, फिर आप बोलोगे कि ये खराब हो गया या फिर आपकी BFD डैमेज होने लग जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे ये 325-25 वाट के चार पैनल हैं, और आजकल जैसा कि सभी को पता है कि लाइट बहुत कम आ रही है, और खासकर ये ग्रामीण इलाका है, गांव में तो लाइट बहुत कम आ रही है। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने पहले ही बताया कि ये 3 HP का पंप है, तो इनके खेत पे इन्होंने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली पर रखते हैं, इसको ले जाते हैं खेत पर चलाते हैं, और जब पूरा इनकी सिंचाई हो जाती है तो घर पर भी इसी को यूज करते हैं ये यहाँ पर। तो देखिए आजकल जैसे गाँव में लाइट बहुत कम आ रही है, तो अभी लाइट तो आ नहीं रही है, लाइन भागी हुई है, अभी लाइट नहीं आ रही है। चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए कनेक्शन कैसे करते हैं। ये यहाँ पर 325-25 वाट के चार पैनल हैं। ये देखिए सबका वायर अलग अलग पड़ा हुआ है। ये यहाँ पर ये सेकंड पैनल के वायर हैं, ये थर्ड पैनल के, और ये फोर्थ पैनल के वायर हैं। आपको सारे पैनल के वायर अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे। तो देखिए अब ये आपको जोड़ना कैसे है बताते हैं। ये जैसे कि 325 वाट का एक पैनल है, तो इसकी रेटिंग 24 वोल्ट होती है, यानी 24 वोल्ट हम इसको मानते हैं, लेकिन इसकी जो BOC होती है वो 47 वोल्ट होती है, 46-47। और इसकी जो करंट होता है लोड पर, तो वो घटने के बाद 36 वोल्ट रह जाता है, 36-37 वोल्ट। तो आप इसको 36 वोल्ट के इन्वर्टर पे भी डायरेक्ट लगा सकते हो, अगर आपको चलाना हो लोड तब, ठीक है। तो डायरेक्ट आप इसको 36 वोल्ट पे भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको रिकमेंड यही करते हैं कि आप इसको 24 वोल्ट की बैटरी पे लगाएं, यानी एक पैनल को दो बैटरी पर आप सीरीज करके 12-12 वोल्ट की लगा सकते हैं। या आपको अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो इस पैनल को 12 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं 24 वोल्ट को, उसकी वीडियो में बहुत जल्दी डाल दूंगा। पहले फिलहाल आप ये देखिए, वो भी आपको बताऊंगा तरीका। एक सिंपल सा तरीका होता है, कुछ नहीं होता है, एक वायर डालनी होती है, 12 वोल्ट हो जाता है। अगर उसी में आपको वायर फिर तार एक से इधर से उधर जोड़ना है तो 24 वोल्ट हो जाता है पैनल। तो चलिए दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर इनके भाई साहब के यहाँ पे अभी आपको दिखाएंगे एक एक करके। इनके यहाँ पे 1.5 kW का इन्वर्टर लगा हुआ है और 24 वोल्ट बैटरी है, 200 एम्पियर की दो बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट की। आपको दिखाते हैं तो कनेक्शन कैसे करते हैं। देखिए ये वायर रहे, ये वायर रहे, ये वायर। तो देखिए 24 वोल्ट का आपके पास वो है, इन्वर्टर है और बैटरी है, तो आपको क्या करना है कि जितने भी पैनल है वो पैरेलल में कर लेने हैं। जैसे कि ये यहाँ पर है, वायर पड़े हुए हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर गलत कनेक्शन कर दिए तो या तो आपका इन्वर्टर खराब हो जाएगा या फिर बैटरी खराब हो जाएगी। तो दिखाते हैं। देखिए जैसे 24 वोल्ट का आपके पास इन्वर्टर या बैटरी है, तो सारे पैनल हम ये लगा दिए, इनके कनेक्शन हम पैरेलल करेंगे। पैरेलल मींस कि सारे पॉजिटिव एक जगह ले लेंगे और सारे नेगेटिव एक जगह, तो हमारे वोल्ट कितने रहेंगे, 24 ही रहेंगे, यानी 36 वोल्ट रहेंगे इसके, जिसको हम 24 वोल्ट कह सकते हैं। उसको हम ले जा करके बैटरी में डायरेक्ट दे देंगे। अगर हम इसकी सीरीज कर लेते हैं सबकी, तो देखिए 24 × 96 है ना, तो ये करीब 120 वोल्ट के आसपास हो जाएंगे, क्योंकि पहले ही बताया कि 36-37 वोल्ट निकालता है, ये 140 करके करीब। लेकिन अब भाई हमारे पास इन्वर्टर है 24 वोल्ट का, बैटरी भी 24 वोल्ट की, अगर हम उसको ज़्यादा वो देंगे वोल्टेज तो उसको वो नुकसान हो सकता है, वहाँ पर बैटरी को या इन्वर्टर को भी नुकसान हो सकता है। देखिए अगर हम पैनल को पैरेलल में जोड़ते हैं
तो हमारे एम्पियर बढ़ जाते हैं, वोल्ट उतने ही रहते हैं। अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो हमारे वोल्ट बढ़ जाएंगे, एम्पियर उतने रहेंगे, जो सबसे कम होंगे जिस पैनल के, वो देखिए। चलिए आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं। चलिए भाई साहब इनके आप कनेक्शन करिए, देखिए एक एक करके दिखाते हैं आपको। ये यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव वाला वायर है, ये यहाँ पे जोड़ रहे हैं इसको। ये अभी ये टेम्परेरी काम है, क्योंकि इनको मैंने बताया कि ये पंप पे भी चलाते हैं अपने, तो अपना जुगाड़ कर लेते हैं। जैसे अब लाइट बहुत कम आ रही है आपकी, अभी आपको लाइव लोड चलाकर दिखाएंगे सारा इससे। ये देखिए ये यहाँ पर दूसरे पैनल को पैरेलल ले लिया, आपको दिखाते हैं। ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में, निगेटिव वाला निगेटिव में। ये देखिए जो खराब पैनल के क्लिप हैं वो हमने लगाए हुए हैं, जो खराब पैनल रहती हैं आसानी से फंस जाते हैं और ये कनेक्शन करने में आसानी रहती है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर ये चौथे पैनल कनेक्शन कर लिए। ये अब यहाँ पर हमारे देखिए आपको एक एक करके दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए फर्स्ट पैनल के कनेक्शन है, क्योंकि वायर जो इन्होंने एक ही कलर का डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पे पहचान है कि ये वाला जो वायर है ये आपका नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, क्योंकि क्लिप से पहचान पड़ जाती है यहाँ पर। ये इस पर लिखा भी रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव, और इस पर भी लिखा रहता है नेगेटिव, ठीक है। ये फर्स्ट पैनल के देखिए साथ वो ले लिए, ये सेकंड पैनल के, और ये थर्ड पैनल के यहाँ पर ये, और ये देखिए हमने इनका जंक्शन बना लिया। ये हमारा सारे पॉजिटिव का जंक्शन है, सारे पॉजिटिव वायर हैं, चार पॉजिटिव वायर यहाँ पे आ गए और चार नेगेटिव वायर हमारे यहाँ पे आ गए। यहाँ से अब हम इसको देखिए, यहाँ से ये अपने घर में ले गए नीचे। ये देखिए वायर जा रहा है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पे वायर जा रहा है नीचे। चलिए आपको नीचे चल के दिखाते हैं। तो दोस्तों पूरा ये दिखा दिया आपको, ये देखिए पैनल है यहाँ पर 325 वाट के चार पैनल है। वैसे इनके पास 3 किलोवाट पावर है, लेकिन घर के लिए इन्होंने मात्र इतने ही लगाए हुए हैं। और एक चीज़ और बता दें, अगर आपके पास 24 वोल्ट इन्वर्टर है और घर में लाइट का भी कनेक्शन है और लाइट आ रही है, तो मात्र आपको अगर दो बैटरी है तो दो पैनल ही लगाएं, दो से ज़्यादा ना लगाएं, अगर आपके घर का लोड कम है। अगर इनके जैसे लाइट नहीं आ रही है, पूरे दिन लाइट नहीं आ रही है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, चार पैनल लगा सकते हैं, चारों को पैनल पैरेलल करके। अगर लाइट आ रही है तो मात्र दो पैनल ही लगाएं दो बैटरी पे, अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो बैटरी आपकी खराब हो जाएगी, या फिर आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाना पड़ेगा, तब आप चार लगा सकते हैं, चारों पैरेलल करके कंट्रोलर में लगाएं, तो कंट्रोलर अपने आप उसको क्योंकि करंट ओवर ना जाए वो मैनेज कर लेगा और रोक लेगा, ठीक है। ये बहुत अच्छी जानकारी है, क्योंकि आजकल बहुत लोगों की शिकायत आ रही है कि देखिए भाई बैटरी और इन्वर्टर महंगा पार्ट होता है, जो खराब हो जाता है तो बार बार आप चेंज नहीं करते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास एक बैटरी है तो एक पैनल लगाएं 300 वाट का, दो बैटरी है तो दो पैनल लगाएं, अगर लाइट आ रही है तो दो पैनल लगे रहने दें। अगर इनके जैसे लाइट नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है दिन में 1-2 घंटे, तो आप चार भी लगा सकते हैं, लेकिन चारों को पैरेलल करके ही लगाना है 24 वोल्ट में, पहले ही बता दिए। अब आपको चलिए ये दिखाते हैं कि वायर ये कहाँ पे गया, अभी दिखाया कनेक्शन करके, ये जा रहा है यहाँ पर, ये देखिए। तो दोस्तों देखिए ये यहाँ से वायर आ रहा है ऊपर से, जैसा कि अभी आपको दिखाया था, ये यहाँ पे वायर आ गया, ये आ गया यहाँ पे वायर, ये यहाँ पे वायर आ रहा है ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे कनेक्शन भी है, लेकिन अभी लाइन गई हुई है घर में, देखिए कहीं भी लाइन नहीं आ रही है, लाइट नहीं आ रही है, बोर्ड में भी नहीं आ रही है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये, और ये इनका यहाँ पर ये 1500 वाट का यानी 1.5 किलो वाट का इन्वर्टर लगाया हुआ है। ये नॉन सोलर इन्वर्टर है, क्योंकि अब अगर इसको सोलर में कन्वर्ट करवाते हैं तो भाई कम से कम 10-12 हजार का या 8-10 हजार का इन्वर्टर मिलता है 24 वोल्ट का, लेकिन ये पुराना है, 24 वोल्ट का मॉडल पुराना है, ठीक है। अभी ये यहाँ पे चल रहा है, तो अभी ये नॉन सोलर है। अगर इसको सोलर में कन्वर्ट करना है आपको, आपके पास नॉन सोलर इन्वर्टर है और आप उसको सोलर में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप नया लें, अगर आप नया नहीं लेना चाहते तो आप 1.5-2 हजार का इसका एक चार्ज कंट्रोलर मिलता है, उसको आप इस पे लगा सकते हैं और ये आपका सोलर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पर दो बैटरी लगी हुई है 12-12 वोल्ट की, 200 एम्पियर की एक बैटरी है, ये दोनों को सबको पता है कि 24 वोल्ट में क्या करना है, दोनों बैटरी सीरीज कर दी। और ये हमने देखिए डायरेक्ट ये यहाँ पे वायर ये आया, सोलर वाला वायर, ये देखिए ये आ रहा है यहाँ पे, ये रहा, ये देखिए ये यहाँ से ये बैटरी में जा रहा है ये, ठीक है। ये एक इन्वर्टर में जा रहा है, ये एक सोलर का वायर आया ऊपर से, एक इन्वर्टर का है और एक ये बैटरी में जा रहा है नीचे यहाँ पर। इसी प्रकार ये निगेटिव वाला वायर ये है ब्लू वाला, और ये डायरेक्ट यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे हमने जोड़ रखा है, उसमें बैटरी में डायरेक्ट इसको कनेक्ट किया हुआ है, ऊपर से लाए हम दोनों वायर, देखिए ये रहा, ये हमारा ब्लैक वाला वायर है जो पैरेलल किया था वहां से चारों को हमने, ये रहा यहाँ पर, ये आ गया, ये तो दिखा दिया दोस्तों। अब चलिए आपको लोड चला के देखिए, यहाँ पे ये चल रहा है पूरा, आपको स्टेप बाय स्टेप देखिए घर का सारा लोड कैसे चलाते हैं ये भी बताते हैं। देखिए ये यहाँ पर अभी आपको फ्रिज दिखाते हैं, यहाँ पर ये फ्रिज चल रहा है। तो देखिए दोस्तों करना क्या होता है, अगर आपके पास 1500 वाट का इन्वर्टर है, जैसे कि ये रहा आपके पास
1500 वाट का। तो आपको करना क्या है कि अगर आपको कोई भारी लोड चलाना है घर का, भारी लोड जैसे कि आपको प्रेस चलानी है या आपको अपनी घर की पानी की मोटर चलानी है 1 HP की, तो उस समय आपको क्या करना है कि बाकी सारे लोड आपको घर के बंद कर देने हैं। जो बड़े लोड है, बड़े लोड जैसे कि फ्रिज है, कूलर है, अगर सीलिंग फैन चल रहा है तो वो चलते रहने देना है, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए फ्रिज चलाते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे फ्रिज चल रहा है यहाँ पर। ये वायर देखिए, ये इन्वर्टर वाले बोर्ड में लगा हुआ है, इधर ये लाइट वाला बोर्ड है, ये यहाँ पे चल रहा है, ये यहाँ पे फ्रिज चल रहा है। देखिए अभी लाइट नहीं आ रही है, देखिए स्टेबलाइजर आपको दिखा देते हैं, कभी आपको ये लगे कि भाई आप लाइट से चला के दिखा रहे हो, लाइट अभी नहीं आ रही है, ठीक है। ये देखिए इस समय लाइन गई। अब आपको ये कूलर है यहाँ पे, कूलर चला के दिखाते हैं इन्वर्टर से। ये देखिए घर का पूरा लोड इससे डायरेक्ट चल रहा है बिना कि, ये देखिए आप यहाँ पे आपको आवाज आ रही होगी, बंद करके चला के दिखाओ एक बार ऊपर से। ये देखिए बंद हो गया यहाँ पर और ये फिर से चलने लगा, ठीक है। अब आपको हम यहाँ पर वॉशिंग मशीन चला के दिखाते हैं, इसको बंद कर दीजिए। ये देखिए ये यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, इसको भी चला करके दिखाते हैं, इसको चलाइए। ये भाई साहब देखिए इसके यहाँ पे है, ये देखिए साउंड आ रहा होगा आपको, ये देखिए ये वॉशिंग मशीन है, ये भी इससे चल रही है। ये देखिए डायरेक्ट लोड चल रहा है सोलर से घर का, आप देख सकते हैं। अब देखिए आपको हम पानी वाली मोटर चला के दिखाते हैं। तो देखिए मैं पहले ही बताया मैंने कि जब हम पानी वाली मोटर चलाते हैं तो बाकी सारे लोड हमको बंद कर देने हैं, जितने भी लोड हैं भारी लोड, अगर सीलिंग फैन है तो वो चलते रहने देना है, बाकी जो लोड है वो बंद कर देना। देखिए यहाँ पर ये प्लग चेंज कर रहे हैं, एक बार दिखाइए इधर, देखिए ये लाइट वाला प्लग इधर, ये लाइट वाला बोर्ड है इधर वाला, ये देखिए ये लाइट वाला बोर्ड है यहाँ पर, ये जब लाइट आती है बटन दबाइए, देखिए अभी मोटर यहाँ पे नहीं चल रही है क्योंकि अभी लाइट गई हुई है। अब आपको इन्वर्टर चलाते हैं इन्वर्टर वाले बोर्ड में, ये यहाँ पे इन्वर्टर वाला स्विच है, इसमें लगाते हैं और आपको चला करके दिखाते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं बाल, देखिए यहाँ पर ये 1 HP का जेट पंप लगा हुआ है, 1 HP का जेट पंप ये यहाँ पे लगा हुआ है और ये आपको दिखाते हैं। देखिए ये चल रहा है यहाँ पे और ये इसका पानी खोल कर दिखाओ बाल, लोगों को दिखना चाहिए ना कि हाँ लाइव। देखिए इसमें टप में भरो ना, टप में देखिए ये चल रहा है यहाँ पे, ये यहाँ से जा रहा है, ये 1 HP का जेट पंप लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे चल रहा है। दोस्तों पानी आपको इसलिए कम लग रहा है क्योंकि आजकल वाटर, सॉरी दोस्तों ये देखिए किसी का फ़ोन आ गया था उसकी वजह से वीडियो बीच में रुक गई थी, आपको फिर से दिखाते हैं। ये देखिए इन्वर्टर से यहाँ पे ये प्लग लगाया हमने, ये लगाइए इसका प्लग और देखिए लाइव दिखाते हैं आपको। 1 HP का 1 HP का जेट पंप है, ये डायरेक्ट चल रहा है सोलर से, देखिए ये रहा और ये इसका आप यहाँ पर पानी देख सकते हैं, ये पानी दे रहा है यहाँ पर ये, और ये 1 HP का जेट पंप है, दिखा देते हैं। ये 1 HP का तो जेट टुल्लू पंप भी नहीं है बल्कि जेट पंप है, ठीक है। जेट पंप जो होता है ये 750 वाट का होता है और टुल्लू पंप जो होता है वो 350 वाट से लेकर 750 वाट तक का भी हो सकता है क्योंकि वो आधे HP में आता है, ये यहाँ पर चल रहा है। तो दोस्तों आपको बता दिया और देखिए जो मेन पॉइंट है मैं इसका आपको बताने वाला हूँ क्या है मेन, ये इसका ये तो आपको दिखा दिया, फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए बैटरी रही यहाँ पे, ये तो दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट तो मतलब अगर डायरेक्ट तो आप सोलर से लोड किसी प्रकार चला ही नहीं सकते क्योंकि सोलर जो निकालता है वो DC करंट निकालता है और हमारे घर के सारे एम्प्लाइज AC करंट लेते हैं, एम्प्लाइज जितने भी होते हैं डायरेक्ट तो चला ही नहीं सकते। लेकिन आपको सेफली चलाने हैं कि आपका कोई भी आइटम घर का ख़राब ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने लोड के अकॉर्डिंग, अगर आपके घर का लोड कम है, पानी वाली मोटर या तो टुल्लू पंप है आपके पास जो 350 वाट का होता है वो है, या घर के नॉर्मल लोड है, फ्रिज है, TV है और अपना वॉशिंग मशीन है, तब आप एक 12 वोल्ट का पैनल ले सकते हैं और एक बैटरी 300 वोल्ट के पैनल को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके लगा सकते हैं और चला सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग चलाते भी हैं। और अगर आपके पास 24 वोल्ट का इन्वर्टर है जैसे कि ये रहा और आपका लोड, देखिए लोड आपका अगर आपके पास जेट पंप है, 1 HP की मोटर है और घर का लोड है सारा, तब आपको कम से कम मिनिमम 1500 वाट का इन्वर्टर चाहिए क्योंकि देखिए जब मोटर होती है उसको स्टार्टिंग करंट जो चाहिए होता है वो 3 गुना ज़्यादा चाहिए होता है
जब मोटर स्टार्ट होती है कोई भी मोटर, इसीलिए उसमें कैपेसिटर लगाया जाता है कि उसको 3 गुना ज़्यादा करंट चाहिए होता है, ज़्यादा वोल्ट चाहिए होते हैं, तो इसलिए कैपेसिटर लगाया जाता है। तो यदि आपके पास 1 HP का पंप है तो आपको कम से कम 1500 वाट का इन्वर्टर चाहिए, तब आपका वो जेट पंप चलेगा। अगर आपके पास टुल्लू पंप है तो आपका 700-800 वाट के इन्वर्टर में, 1 kW के इन्वर्टर में भी काम हो सकता है जो 12 वोल्ट के। अगर उससे ऊपर है तब आपको 24 वोल्ट बैटरी चाहिए और 1500 वाट इन्वर्टर चाहिए 24 वोल्ट में, और कम से कम आपको 2 पैनल चाहिए चलाने के, 300-300 वाट के 2 पैनल, जैसा कि पहले ही बताया। अगर आपके पास लाइट आ रही है दिन में भी तो आपको 2 ही पैनल लगाने हैं पर बैटरी के हिसाब से 1 पैनल। अगर लाइट कम आ रही है, बहुत कम आ रही है, घंटे दो घंटे, 1-2 घंटे आती है और आपका लोड ज़्यादा है, जैसे कि अभी यहाँ इनके भाई साहब का दिखाया गया, फ्रिज भी, कूलर भी और वॉशिंग मशीन भी, ये सारा कुछ है, तब आप 4 पैनल लगा सकते हैं। लेकिन कैसे लगाने हैं, चारों को पैरेलल करके, वो आपको मैंने बता दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अगर अभी भी आपका कोई पॉइंट इसमें रह गया हो जिसके बारे में आपको डाउट हो, समझ में नहीं आया हो, बेशक हमारे नंबर पर कॉल करें, नंबर पहले बता दिए हैं, या हमें कमेंट करके बताएं कि भाई हमारे घर, देखिए आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही हो आपके सोलर से रिलेटेड, कि पैनल करंट कम दे रहा है या लोड नहीं ले रहा है या कुछ है, तो देखिए कुछ ना कुछ छोटी सी कमियां होती हैं जो आपको पता नहीं है, शायद हमें पता है, तो हम आपको यहीं से आपके या तो कमेंट करके बताएं तब बता देंगे, या फ़ोन करके पूछें तब भी आपको बता देंगे, और आपकी समस्या घर बैठे बैठे सॉल्व हो जाएगी कि भाई हमारा इन्वर्टर कम चार्ज हो रहा है या बैकअप नहीं दे रहा है या पैनल करंट कम निकाला है, कैसे करें हमारा पूरा नहीं। तो कहीं ना कहीं देखिए मिस्टेक होती है कि या तो आपने कनेक्शन कैसे कर रखा है, सीरीज में कर रखा है, पैरेलल करना है, तो आप खुद से कनेक्शन ना करें। अगर आप इस क्षेत्र में नए हैं, आपके जानकारी है तो आप कर सकते हैं, अगर नए हैं तो YouTube पे देखें, आप किसी की वीडियो देखें, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, और पूछ लें कि भैया मैं अभी 2 पैनल लाया हूँ या 1 पैनल लाया हूँ, 1 बैटरी लाइस का कनेक्शन कैसे करना है, या मेरे घर का इतना लोड है तो मैं कनेक्शन कैसे करूं? ताकि आपका जो नुकसान होने से बच जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत हमारे चैनल पर बने रहें इसी के साथ, और आगे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, कोई भी समस्या हो बता दें। और देखिए बता दिया पहले भी कि BFD से डायरेक्ट घर का लोड चलाने की कोशिश ना करें। आपको लगेगा कि हाँ जी, लोग आपको बोलेंगे भी कि डायरेक्ट चला सकते हैं, लेकिन आपको लगेगा चल भी रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका उसको नुकसान कर देगा। मेन रीज़न क्या है, मैंने बताया कि BFD मतलब वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, ठीक है, यानी उसकी जो फ्रिक्वेंसी है करंट की वो घटती बढ़ती रहती है अकॉर्डिंग टू सनलाइट। जैसे सुबह सुबह धूप कम होती है तो फ्रिक्वेंसी कम रहेगी, जब धूप बढ़ जाएगी तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी उसकी। तो उसी प्रकार से मोटर क्या होती है कि अपने RPM को मैनेज कर लेती है। BFD स्पेशली जो डिजाइंड है वो मोटर के लिए है, चाहे वो सिंचाई वाली हो या बड़ी बड़ी कोई और मोटर हो। घर का लोड चलाओगे तो उसमें जो हमारे घर के ये फ्रिज हैं या ये हैं, देखिए इनको एक कॉन्स्टेंट करंट चाहिए होता है। अगर आपको चलाना है तो आपको अपने रिस्क पर चलाएं, मैं ये चीज़ आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कभी भी, ठीक है। तो बेटर होगा जानकारी लें, हमसे पूछें, कमेंट करके पूछें या फ़ोन करें, और अपने घर का कोई भी आइटम भविष्य में ख़राब ना हो उसके लिए ऐसा कदम उठाएं कि जो आपके लिए नुकसानदायक ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो, रह गया हो, कमेंट करके बताएं, और भी बहुत सारी वीडियो डालते रहेंगे, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, कई लोगों ने पूछा भैया घर का लोड कैसे चलाएं, आज आपको पूरा बता दिया। देखिए जैसे ये भाई साहब हैं, इनके यहाँ पे ये 3 HP का पंप है इनके पास, पहले इनके पास 2 HP रोटोसोल था, वो अभी भी है। अभी इन्होंने क्या किया कि 2 HP रोटोसोल के साथ साथ 3 HP का एक लूबी का पंप और है, और INVT की इनके पास ड्राइव है, दोनों चलाते हैं। जो मर्जी करती है, कम सिंचाई करनी होती है तो रोटोसोल ले जाते हैं, ज़्यादा सिंचाई करनी होती है तो 3 HP का ले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल घर पे लाइट कम आती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, घर के लोड चलाने, तो ये 2 HP का ले जाते हैं, एक किलोवाट पैनल घर पर छोड़ जाते हैं जिससे घर का लोड चलता रहता है। तो धन्यवाद दोस्तों सभी का, आपका बने रहे हमारे चैनल के साथ।